मॉर्निंग गाइस, दिस इज आर्मी एंड वेलकम टू टर्बो एक्सट्रीम। तो मेरा हेयर कट थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, बाल अभी सेट नहीं हुए, मैंने बाल कटवा लिए, छोटे छोटे करा लिए, तो अभी सेट नहीं हो पा रहे, बार बार मैं हाथ फेर रहा हूँ। बट चल रहे हैं अपन ऑफिस में बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें चल रही हैं आज, और मैं एक्चुअल में एक्साइटेड हूँ उन एक्साइटिंग चीजों के लिए। तो मेरे हाथ में कॉफी, मॉर्निंग कॉफी, एंड बस यहाँ से फटाफट से चलते हैं ऑफिस। बीच में रास्ते में 2-4-5 काम है, उनको भी निपटा के चलेंगे जितने हो सके। मैं ऑलरेडी वैसे काफी लेट हूँ आज, और तो धूप दिखाता हूँ, और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे मेहमान से हैं, उनको भी दिखाता हूँ। तो ये रहे मेहमान, ये देखो, मैं एक्चुअली गेट खोलूंगा तो ये उड़ जाएंगे, मेरे को लग रहा है चले जाएंगे ये। अरे चले गए भाई। तो धूप खतरनाक हो रही है। गर्मी आ गई है बिल्कुल पीक पे, और मैं क्या ही बोलूँ गर्मी के बारे में। तो पहले तो आँखों को बचा लेते हैं। अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है, थोड़ा माहौल चेंज हो गया बाहर का। तो वैसे तो हुआ नहीं है, बट अपन जो देख रहे हैं वही दिखता है ना, तो थोड़ा सूदिंग दिखता है तो सूद कर लेते हैं। तो टेम्परेचर हो रहा है बड़ा ही खतरनाक, बाहर हो रहा है 30 डिग्री, अभी अर्ली मॉर्निंग है, अभी स्टिल 30 डिग्री हो चुका है। ऑलमोस्ट मेरे को 40 मिनट्स हो गए, और ट्रैफिक बहुत ही तोड़ हो रहा है। मैं अभी तक पहली डेस्टिनेशन पे भी नहीं पहुंचा हूं, और लेट पे लेट हो रहा हूं। तो पहली डेस्टिनेशन पे जस्ट पहुंचने वाला हूँ मैं 5 मिनट के अंदर। मुझे कुछ पेपर्स रिसीव करने हैं किसी से, तो वो पेपर्स लेंगे और 2 मिनट रुकेंगे बस वहाँ पे, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट है। तो पेपर्स लेके और नेक्स्ट डेस्टिनेशन सीधी अपने वर्कशॉप पे। गर्मी दोनों अमेजिंग हो रही है। तो टेम्परेचर हो रहा है 39 डिग्री दिल्ली में, एंड कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पड़ी हैं मेरी गाड़ी में, एक झलक दिखा रहा हूँ, ऑल्दो इसका वीडियो अलग आएगा। तो ये देखो, तो मैं एग्जैक्टली बता नहीं रहा हूँ क्या है, अपने आप गेस कर लेना। तो इसका वीडियो अलग आएगा। वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी मेरे को, मतलब नॉलेज अच्छी है बट स्टिल थोड़ा सा और पढ़ लेंगे वीडियो बनाने से पहले तो बेटर रहेगा, क्योंकि मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मैं सीधा ही बिल्कुल एक लेमैन की तरह, जैसे आप लोगों को बिल्कुल वैसे ही एक कोई भी गाड़ी होती है उसमें सीधा घुस जाता हूँ और वहीं पर सब बैठ बैठ एक्सप्लोर करता रहता हूँ। पढ़ने की आदत है नहीं मेरी, बड़ी ख़राब आदत है। बट एज अगर मुझे लगता है कि नॉर्मल तरीके से गाड़ी को देखो तो ज़्यादा बेटर होता है। स्पेक्स ब्रोशर पढ़ के तो कोई भी बता सकता है, तो बेटर है ना कि अपन उसी तरीके से बताएं जैसे बताना चाहिए, जैसे हम लोग देखते हैं, नॉर्मली देखते हैं।
तो यहाँ से बस अभी वर्कशॉप पहुँचने वाला हूँ मैं, मुश्किल से 7-8 मिनट के अंदर मैं ओखला के अंदर एंटर कर चुका हूँ और रेड लाइट पे खड़ा हूँ काफ़ी देर से। लंबी रेड लाइट है तो मुझे लगा चलो थोड़ी सी चिट चैट कर लेते हैं आप लोगों से, तो बस वर्कशॉप पहुँचते हैं। मैं पहुंच गया हूं ऑफिस और ये हायाबुसा का एक फेयरिंग आया है, अपने ही एक टर्बो एक्सट्रीम फैमिली के मेंबर हैं उनकी बाइक का है, और ये इसलिए आया है क्योंकि ये यहां से ये पूरा पेंट उखड़ गया, इन्होंने किसी जगह से पेंट करवाया था ये, और नीचे एग्जॉस्ट होता है इस जगह पे, मतलब ये फेयरिंग का वो वाला पार्ट है जहाँ पर नीचे एग्जॉस्ट होता है, तो यहाँ से पूरा ये कलर उतर गया। तो ये अपने पास आया है, इसको अपन पूरा रिपेयर करके कलर करवाएंगे, और कलर करने के बाद इस पर स्क्रैचेस भी हैं काफ़ी सारे, ये सारे स्क्रैचेस गायब होंगे अब। और इसके अंदर यहाँ से ये हीट शील्ड पूरी गायब है, तो ये प्रॉपर हीट शील्ड लगाएंगे यहाँ पे ताकि ये दोबारा पेंट नीचे से ना उतरे, एंड प्लस इसके ऊपर अपने कोटिंग करेंगे हीट प्रूफ ताकि पेंट भी जल्दी से नहीं ख़राब हो। तो बेंटले जो लास्ट वीडियो में आपने देखी थी उसका आज सेकेंड डे चल रहा है, सेकेंड डे मतलब आज उसका बहुत सारा काम चल रहा है, प्लस आज एक बहुत ही स्पेशल कार कवर करने वाला हूँ मैं, कार देख के मज़ा आ जाएगा आपको, और दैट कार इज़ वेरी पावरफुल। तो उसका हमने पेंट किया था फ्रॉस्ट वाइट, जिन लोगों को फ्रॉस्ट कलर्स के बारे में नहीं पता है उनको बता रहा हूँ, फ्रॉस्ट कलर BMW ने स्टार्ट किया था बेसिकली इनकी M सीरीज़ में, तो M सीरीज़ के अंदर फ्रॉस्ट कलर जो आता था दैट इज़ मतलब एक तरह से आप मैट कलर मान लो उसको, इसका फ्रॉस्ट रेड आता है, गूगल करके देख लेना, एक दो पिक्चर्स भी डाल रहा हूँ, फ्रॉस्ट ब्लू भी आता है और फ्रॉस्ट वाइट भी आता है, तो जिनकी वो कार थी उनको फ्रॉस्ट कलर बहुत ही पसंद था और हमने उसको किया फ्रॉस्ट वाइट, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, डिफरेंट कलर, नॉर्मली कलर इतना ईजी नहीं होता वो, एक तो मेनटेन करना भी ईजी नहीं है, दूसरा करना तो बहुत ही मुश्किल है, तो वो फ्रॉस्ट कलर की BMW हम बाहर लेके चलेंगे, छोटा सा एक स्पिन लेके आएंगे, गाड़ी के बारे में बात करेंगे, एंड प्लस उस कलर की और थोड़ी डिटेल में थोड़ा लुक दिखा देता हूँ कि कैसी लग रही है। तो इंटीरियर बहुत स्पेशल होता है BMW पर्टिकुलर वो वाले मॉडल कार का, तो बस फटाफट से कवर करते हैं और पहले दिखाता हूँ बेंटले कि उस पर क्या काम चल रहा है और कितना काम अभी पेंडिंग है। तो गाइस दिखाता हूँ बेंटले, इसका काफ़ी सारा काम हो चुका है अभी, दो लेयर ऑलरेडी हो चुकी हैं एंड नाउ वी आर प्लानिंग फॉर थर्ड लेयर। ऐसा होता है कुछ इसका इंजन, दिस इज 6 लीटर एंड ट्विन टर्बो, यहाँ पे भी बैचिंग हो रही है बेंटले की, एज इंजन इज़ वेरी स्पेशल, दिस इज़ 500 हॉर्स पावर, और इसकी कंडीशन अभी बहुत ही गंदा सा हो रहा है, तो ये अभी सारा कंप्लीट डिटेलिंग होगी इसकी भी, और इस पर अभी ये 3 लेयर ऑफ कोटिंग हो चुकी है, तो अब देखो इसकी चमक, और कम्प्लीटली स्विल गायब हो चुके हैं, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, ये एक्चुअल में इतना रिफ्लेक्टिव है जिसकी हद नहीं, तो इसको भी क्लीन कर रहे हैं IPE से, तो ये IPE होता है, इसको इरेजर भी बोलते हैं, तो इंटेंसिव पॉलिश बेसिकली क्लीन कर देता है ये, जितनी भी ऊपर पॉलिश लगी हुई होती है उसको क्लीन करके सरफेस बिल्कुल साफ़ कर देगा ये। तो ये अब इसका चालू होने वाला है काम अंदर का, तो अंदर का कंप्लीट ये ड्राई क्लीन के बाद इस पर भी कंप्लीट इंटरनल कंप्लीट सिरेमिक कोटिंग होने वाली है, एंड सिरेमिक कोटिंग के बाद फिर ये कभी भी बस गीला कपड़ा लो और साफ कर दो, सब बिल्कुल क्लीन हो जाएगा इमिजिएटली ऐसे। तो भाई अब चलते हैं वर्कशॉप के अंदर और छोटा सा वर्कशॉप का टूर दे रहा हूँ, टूर के बाद और जो स्पेशल चीज़ है उस पर चलते हैं ड्राइव पे, तो स्पेशल चाबी फॉर द स्पेशल प्रोडक्ट, तो चलो बस चल रहे हैं। तो यहाँ पे खड़ी है एक लैंड क्रूजर प्राडो
और बेंटले का काम चल ही रहा है, थोड़ा सा शोर ज़्यादा है क्योंकि वर्कशॉप के अंदर एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे खड़ी है अगेन एक और प्राडो, इसका अभी फेसलिफ्ट चल रहा है कम्प्लीटली। लुक एट द लाइट्स, तो ये है इसका फ्रंट और लाइट्स। यहाँ पे एक मर्क है जिसका कुछ काम चल रहा है एंड ये आ गया मैं वर्कशॉप से बाहर। तो आज जो कार मैं दिखाने वाला था वो है ये वाली, सो दिस इज BMW 525D। तो कुछ ऐसा इंटीरियर दिखता है इस कार का एंड इंटीरियर इज ब्यूटीफुल गाइस, ब्यूटीफुल, बहुत ही सेक्सी इंटीरियर है, अल्टीमेट लग रहा है। आई रियली लव द कलर ऑफ ये ड्यूल भी नहीं है, थ्री टोन हो गया बेसिकली। तो वन टोन इज दिस जो ऑरेंजिश थोड़ा सा टोन दिख रहा है, सेकेंड टोन आ रहा है यहाँ पे वुडन, तो एंड थर्ड ऊपर कम्प्लीटली ब्लैक। तो चलते हैं ड्राइव पे पहले और फिर एक जगह पे रोक के फिर बात करेंगे इस कार के बारे में और। अंदर से बहुत ही ब्यूटीफुल है, BMW वैसे भी बहुत ही ड्राइवेबल कार्स होती हैं। ड्राइवेबल मतलब चलाने में जो BMW कार को मज़ा आता है वो शायद ही किसी और कार को इतना चलाने में मज़ा आता होगा इस पर्टिकुलर रेंज में। रेंज मतलब अगर ये कार की बात करूँ तो ये दिस इज समवेयर अराउंड 50 लाख रुपीज़, 50 लाख रुपये एक्स शोरूम के आसपास की कार है। एग्जैक्ट प्राइस मुझे नहीं पता, ये वैसे डिसकंटिन्यू हो चुका है मॉडल, 2018 तक लास्ट आई थी ये कार। इसके बाद अगेन आप बात करें अगर सेम इंजन स्पेक्स में चाहिए हो तो 530 आ चुकी है एक्चुअली। तो 530 कार इज मोर पावरफुल, ऑल्दो अगर इंजन की बात करें तो इंजन लगभग सेम है। ये 3 लीटर डीजल इंजन है, 6 सिलेंडर है एंड ये है 208 BHP। तो 530 का इंजन स्पेक्स एग्जैक्ट मुझे नहीं पता बट 530 इज वेरी मच पावरफुल देन दिस। प्लस 530 का जो साइज एंड लेंथ है उसमें भी थोड़ा बहुत फर्क होता है। ये एग्जैक्टली अपग्रेड था 520 का, इंजन अपग्रेड था ये एंड प्लस इंटीरियर वगैरह में इन्होंने काफी कुछ चेंजेस किए थे 520 से। अगर इस कार की बात करें तो द कार इज गुड, वेरी पावरफुल, एवरेज करीब करीब 10 के आसपास देती है ये कार। थोड़ा सा भी स्ट्रेच आएगा तो खींच के दिखाऊंगा कार को, मतलब पावर चेक कर लेंगे थोड़ी सी। वैसे इस टाइम ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो चुका है, टाइम हो रहा है 5:19 इन द इवनिंग, शाम के 5:19 हो चुके हैं, सुबह से ऐसे ही काम धाम में निकल गया पूरा दिन। हल्की सी पावर दिखा रहा हूं। ओए, ओए। तो दोस्तों कुछ समझ में आया, हल्का सा मैंने एक्सीलेटर दिया एंड एकदम पंप हुआ, एकदम स्ट्रेच करके दिखा रहा हूं। देखो तेरी। आ गया मैं ड्राइवर सीट्स की तरफ, मेमोरी सीट है, आप दो मेमोरी कर सकते हो इसके अंदर,
देन सीट्स इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल, यहाँ पे इसका लाइट स्विच है जो लाइट्स ऑन एंड ऑफ करता है कार की। डोर के ऊपर नॉर्मल ये कंट्रोल्स ऑफ द पावर विंडोज एंड बाहर के मिरर एडजस्टमेंट्स। अब ये मैं आ गया हूँ कार के अंदर, तो मीटर क्लस्टर कुछ ऐसा दिखता है इसका, दैट इज क्लासिक स्टाइल। ये यहाँ पे फ्यूल गेज है, देन स्पीडोमीटर 260 की टॉप स्पीड दिखा रही है एंड बिलीव मी आराम से 240 तक चली जाती है, तो हाई स्पीड तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे रोड्स नहीं है। RPM 5000 है पीक, तो ये 4000 पे जा रहा है अगर हमने खड़ी की हुई है कार तो। देन द सेंटर, तो सेंटर में ये पुराने वाले स्टाइल का है, अब लेटेस्ट में तो कैमराज वगैरह सब आ चुके हैं। देन AC वेंट, CD कंट्रोल, AC के कंप्लीट कंट्रोल्स, यहाँ पे दो ग्लास होल्डर्स, द गियर नॉब, पूरा कंप्लीट कार का सिस्टम कंट्रोल करने के लिए ये है। ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक जिसे कह सकते हैं, एंड यहाँ पे एक छोटा सा ये बॉक्स, देन बीच में यहाँ पे जगह है मोबाइल वगैरह रखने के लिए, चार्ज करने के लिए। तो कार काफ़ी प्रीमियम है, ये अपना सनरूफ के लिए, तो सनरूफ देख लो, सनरूफ पूरी कुछ ऐसी दिखती है इसकी। पीछे की सीट पीछे चल के एक्सप्लोर करते हैं, तो गियर सिस्टम समझा रहा हूँ, मेरे से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, तो पैडल शिफ्ट तो इस कार में है नहीं, तो पैडल शिफ्ट भी बता देता मैं, बट पैडल शिफ्ट नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये अभी पार्किंग पे है, तो ये अगर पार्किंग दबा दो तो ये पार्किंग पे आ जाती है ऑटोमेटिकली अगर किसी भी गियर पे हम, तो ये इसका गियर सिस्टम है। गियर सिस्टम में ये अनलॉक का बटन है, अनलॉक दबाया, एंड ये अभी रिवर्स पे है, देन ये ड्राइव पे चला गया, ये न्यूट्रल पे आ गया, ये रिवर्स पे आ गया, अगेन न्यूट्रल देन ड्राइव। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक है, अगर मैं ये दबा दूंगा तो ये रेड हो गई, रेड मतलब हैंड ब्रेक लग चुका है कार का एंड कम्प्लीटली लॉक हो चुकी है कार। वापस दबाया, हैंड ब्रेक हट गई, ड्राइव मोड पे आ गई। स्पोर्ट्स मोड पे लेना हो तो इसको इधर कर लो, ये मैनुअल एंड स्पोर्ट्स मोड पे आ गया। तो अब अगर मैं गियर्स चेंज करना चाहूँ तो हो सकते हैं, तो ये मैं ऊपर करूँगा तो ऊपर हो जाएगा, नीचे करूँगा तो नीचे हो जाएगा। सो दिस इज़ गियर शिफ्टिंग, तो ये बट कार अभी आइडल खड़ी है तो चेंज नहीं होंगे गियर। तो इसको पार्किंग पे लगाने के लिए, या बेसिकली आपने पहले इसको ड्राइव पे लिया एंड जैसे ही मैंने ये पी दबाया तो ये पार्किंग पे आ गई। पार्किंग पे व्हील्स इसके लॉक रहते हैं नॉर्मली, बट अगर बिल्कुल लॉक करना हो तो आप हैंड ब्रेक यूज़ कर सकते हो, तो ये हैंड ब्रेक लग गई इसकी। तो दोस्तों 5 सीरीज मतलब थोड़ी सी लग्जरी, मतलब 5 सीरीज नॉर्मली 3 सीरीज से बड़ी होती है, तो 5 सीरीज की लेंथ नॉर्मली अगर मर्सिडीज से कंपेयर करो तो ई क्लास जितनी होती है। तो पीछे का रियर सीट्स भी थोड़ी सी एक्सप्लोर कर लेते हैं और लेग स्पेस दिखा देता हूँ कि लेग स्पेस कितना है। तो भाई ये है इसका पीछे का, कुछ ऐसा दिखता है कंप्लीट इंटीरियर। यहाँ पे ये सनशेड्स दिए हुए हैं, तो सनशेड्स आप लगा सकते हो, मैनुअल है ऑटोमेटिक नहीं है ये, आप इजीली यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा सनशेड भी दिया हुआ है। देन द रियर सीट्स लुक्स वेरी कंफर्टेबल, अंदर से काफ़ी स्पेशियस लग रही है। रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम भी इस कार में लगा हुआ है, तो बैठते हैं कार के अंदर। ये मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया और तो ये आ गए इसके कप होल्डर्स एंड यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है कुछ अगर आपको सामान रखना हो तो। तो दिस इज़ आर्म रेस्ट ऑल्सो, अगर आप हटाना चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, तो 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं इसमें अगर हटा दोगे तो। यहाँ पे आ गए इसके AC वेंट्स, तो AC वेंट यहाँ पे हैं बट कंट्रोल सारा कुछ आगे से होगा, तो आप सिर्फ वेंट को क्लोज कर सकते हो और ओपन कर सकते हो, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो लेग स्पेस इसमें काफ़ी अच्छा है, ये लेग स्पेस दिख रहा, बहुत अच्छा लेग स्पेस है एंड द कार इज़ कम्फर्टेबल। The car is comfortable when I'm sitting. It's very very comfortable. काफ़ी spacious भी लग रही है and seats are actually very good. वही एक तो बाल आज बहुत परेशान कर रहे हैं, मेरे को बिल्कुल भी आदत नहीं है ऐसे बाल रखने की और बार बार ठीक करने की, तो बार बार मैं ठीक कर रहा हूँ।
उसके बाद भी ये बेशर्म है, आज ठीक तो हो ही नहीं रहे। तो खैर कोई बात नहीं, कल पंगा ले लिया मैंने और पंगा हो ही गया। एनीवेज बाल आज जाके फिर से सेट कराता हूँ, थोड़े और मुझे लग रहा है कि छूटे कराने पड़ेंगे, तो बताना मुझे कमेंट्स में बालों के लिए। वैसे मुझे पता है बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आने वाले हैं कि पहले वाला हेयर स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगता था, बट ठीक है, चेंज इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करते रहना चाहिए, चेंज करते रहते हैं तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता रहता है। अब समझ लो अगर मैं हर टाइम आपको ये वाली अगर कार दिखाता रहूँ तो कैसा लगेगा, आप लोग बोर हो जाओगे। अगर रोज़ डेली हायाबूसा दिखाता रहूँगा तो भी बोर हो जाओगे, तो मैं इसीलिए चेंज करता रहता हूँ, डेली आपको कुछ ना कुछ दिखाता रहता हूँ। एंड एक कमेंट का जवाब दे रहा हूँ, तो एक कमेंट आया था कि हमें हायाबूसा के वीडियोस का वेट रहता है, तो यार मैं डेली हायाबूसा का वीडियो तो नहीं बना सकता, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं डेली राइड नहीं कर सकता, मुझे काम भी करना होता है, बिज़नेस भी संभालना होता है मेरे भाई, तो डेली तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो फिर भी कोशिश करेंगे कि अब थोड़ा सा रूटीन सेट करना पड़ेगा कि कम से कम एक हफ्ते में दो वीडियोस मैं डालने की कोशिश करूँगा बाइक के ऊपर। कोशिश पूरी है, कमिटमेंट नहीं है। तो हैशटैग टू अपनी टर्बो फैमिली, आप सबका प्यार इतना मिल रहा है कि काम करना पड़ता है और वीडियो बनाना पड़ता है, तो जैसे मैं अभी टाइम निकाल के ये वीडियो बनाने आया हूँ, तो ये आप सब लोगों की वजह से ही है, और आप सब लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, उसकी वजह से ही। तो गाइज होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, जो कार दिखाई पसंद आई हो, कलर अच्छा लगा हो। तो टाइम हो रहा है अभी 7:40, देखो 7:40 टाइम आ रहा है, तो यहाँ से हम निकल रहे हैं घर की तरफ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइज़।